जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन के टॉप मोस्ट क्वेश्चन बता दीजिए रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के। दोस्त सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर जाना है जहां आपको गेनिंग रेशियो का ज्ञान मिलेगा, यानी किस तरह आपको न्यू माइनस ओल्ड कर गेनिंग रेशियो निकालना है। देन क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गेनिंग रेशियो के साथ साथ गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, जहां पर रिटायरिंग पार्टनर हमेशा दोस्त क्रेडिट होगा गुडविल के अमाउंट से अपने हिस्से की, और जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 पर जाना है, जहां पर आपको हिडन गुडविल निकालनी है। जिस तरह आपने एडमिशन में निकाली थी उसी तरह आप रिटायरमेंट में हिडन गुडविल निकालेंगे। जो पेमेंट हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं रिटायरिंग को, और जितना उसका बनता है दोनों के बीच का डिफरेंस आपकी हिडन गुडविल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 13, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपका इंतजार कर रहा है, जहां पर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएगा, यानी जो बचेंगे पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन की जगह सेक्रीफाइस करेगा, तो रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ वो भी क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 13, 17, 21 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 इंतजार कर रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22, जहां पर आपको रिवैल्यूएशन की बेसिक जानकारी मिलेगी। रिवैल्यूएशन में जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, जब हमारी एसेट डिक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं और इंक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 को कर आपको पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए बेहद खास होने वाला, जो आपको याद दिलाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस दिए हैं, बट आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट ना कर इनको एडजस्ट करना है, यानी प्रॉफिट्स में से लॉसेस घटाकर न्यू माइनस ओल्ड कर जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। जो जाने वाला पार्टनर होगा रिटायरिंग वो हमेशा सेक्रीफाइस ही करता है, इसलिए वो क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट के अमाउंट से। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 बेहतरीन क्वेश्चन है, जहां आपको रिवैल्यूएशन दोबारा से सीखने को मिलेगा। जैसा आपने एडमिशन में किया था क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पर रिटायरमेंट की तरह यहां रिटायरिंग पार्टनर को हमें पेमेंट करना है, या तो लोन बनाना है या पूरा पेमेंट करना है, या 50% लोन बनाना है और 50% पेमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 29 को कर आपको जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 आपका सेम डिट्टो क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स तक के पूछे जाते हैं और चॉइस में आते हैं जनरली एडमिशन और रिटायरमेंट भी। तो अगर आपका एडमिशन बहुत अच्छे से पक्का हो गया तो आप उसको कर लो, इसको स्किप भी कर सकते हो या ऊपर ऊपर से देख सकते हो, ओवरव्यू देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए बेहद खास होने वाला है, जहां अगेन आपको रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट की जानकारी मिलेगी, साथ में आपको रिटायरमेंट वाले पार्टनर को पे करना है या नहीं करना है क्वेश्चन को कर आपको पता चलता है। यहां तक आपके टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे आपका रिटायरमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा जितना एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है या चॉइस बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नाम का एक टॉपिक है जिसको एग्जाम बहुत टाइम से नहीं पूछ रहा, बट अगर पूछ लेता है तो आप गिफ्ट में ये दो क्वेश्चन कर जा सकते हैं, जिससे आपका रिवैल्यूएशन मजबूत हो जाएगा। जो पार्टनर्स कैपिटल आपने अभी अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन में सीखा है वो आपका अच्छे से आ जाएगा, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आप इन दो क्वेश्चन से सीख जाओगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47 एंड क्वेश्चन नंबर 48। चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, छोड़कर भी जा सकते हो, बिना इनके भी एग्जाम हो जाएगा, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बट अगर कर जाओगे 47 48 तो मजा अलग ही आ जाएगा। इसके बाद आपको मुझे बताना है किस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और चाहिए। सीरीज आपकी इसी तरह चल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलेंगे आपको यहीं पर दोबारा और भी अनोखे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।